बिग बॉस ओटीटी 3 के सदस्य अपनी अपनी कहानियां सुनाकर दर्शकों को इमोशनल कर रहे हैं। पहले पायल मलिक ने अरमान मलिक और कृतिका मलिक की शादी का किस्सा सुनाया, फिर सना मकबूल ने रोते हुए अपनी बीमारी के बारे में बताया। वहीं अब शिवानी कुमारी ने अपने स्ट्रगल को याद किया है। शिवानी ने बताया है कि उनके पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने कई सालों तक कोर्ट में चक्कर लगाए थे। शिवानी ये सब बताते हुए इमोशनल हो गई। शिवानी ने नेजी से कहा, मैंने संघर्ष देखा है, मुझे तो मेरे घर में खाना तक नहीं मिलता था, दो दो दिनों तक हम भूखे रहते थे। नेजी ने पूछा, ऐसा कब था? इसका जवाब देते हुए शिवानी बोली, मेरे पिता की मौत हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं 1 साल की थी। पापा के जाने के बाद परिवार के लोगों ने मम्मी के साथ बहुत बुरा किया, उन्होंने मम्मी के ऊपर मुकदमा कर दिया। वो बोले कि इनकी तो लड़कियां हैं, ये खेत कैसे संभालेगी, खेत तो चाचा के लड़के को मिलना चाहिए। मम्मी बोली, क्यों, लड़कियों का कोई हक नहीं होता है क्या? शिवानी ने आगे कहा, 15 साल तक मम्मी मुकदमा लड़ी, बचपन में बच्चा दूध पीता है लेकिन हम पानी से बिस्किट खाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे मेरी मम्मी के लिए कि वो दूध लेकर के आए। आज मेरे घर में दो दो भैंसे हैं, खूब दूध होता है, जो खाना है खाओ। शिवानी ने बिग बॉस ओटीटी में जाने के पहले भी बताया था कि गांव वालों ने उनका ब्लॉग बनाने और वीडियो बनाने का विरोध किया था, तब उनकी मम्मी ने गुस्से में घर छोड़ दिया था, वह रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगी थी। ऐसे में उन्होंने 1 साल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अपने घर के हालत सुधरने के लिए 1 साल बाद फिर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और अब यहाँ तक पहुँच गई हैं। इस स्टोरी से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।